नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। एक विशेष समाचार। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को जल्द ही पहचान लिया। उनके स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक प्रमुख चालक के रूप में और उन्हें अपने परिवारों के पालन पोषण के लिए उत्पादक समय समर्पित करने की मदद की। इस उद्देश्य के साथ भारत सरकार ने लाखों ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित करने के लिए उज्ज्वल योजना का पहला संस्करण शुरू किया, जो आर्थिक रूप से वंचित है। इस योजना के पहले और दूसरे दोनों संस्करण ग्रामीण आजीविका, स्वास्थ्य, शैक्षणिक परिणामों, स्वच्छता, जीवन की गुणवत्ता और इससे होने वाले पर्यावरणीय लाभों पर इसके प्रभाव के संदर्भ में वास्तव में परिवर्तनकारी रहे हैं। जिस गति से इस कार्यक्रम को लागू किया गया वह चौंका देने वाला था और विश्व स्तर पर सबसे प्रशासित कार्यक्रमों से एक है। कई देश इसका अनुकरण करने के इच्छुक है। इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य उद्योग मंत्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी की सक्रिय भागीदारी को श्रेय जाता है, जो विभिन्न सरकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि सही जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर एलपीजी तक पहुंच का विस्तार, एलपीजी के सुरक्षित उपयोग पर ग्रामीण ग्राहकों को शिक्षित करने के मामले नई चुनौतियों को लेकर आया है। यहीं पे भारत के प्रमुख सुरक्षा संगठन पेसो ने एलपीजी प्रबंधन में सुरक्षा पर ग्रामीण ग्राहक शिक्षा की पहल को चलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। विस्फोटकों के मुख्य नियंत्रक श्री पी कुमार के गतिशील नेतृत्व में इस संबंध में कई पहल की गई हैं, जिनमें से एक अद्वितीय एलपीजी पंचायत कार्यक्रम है। ओएमसी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में उच्च गुणवत्ता वाली कार्यशालाओं की श्रृंखला शामिल है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये कार्यशालाएं देश के कोने कोने में आयोजित की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस कार्यक्रम का लाभ जनजातीय क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों के कोने कोने तक पहुंचे। श्री पी कुमार ने 28/1/2023 को इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा ग्रामीण मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के पांडुना में आयोजित ऐसी एक एलपीजी पंचायत जिसका विषय सुरक्षा से समृद्धि था, इस अवसर पर मुख्य भाषण देते हुए इसकी आवश्यकता पर बल दिया। विशेष रूप से एलपीजी का सुरक्षित उपयोग किया जा सके, इस उद्घाटन कार्यक्रम में छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी समुदाय के 100 से अधिक लाभार्थी, तेल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और एलपीजी वितरकों ने भाग लिया, जो तेल कंपनी और उनके ग्राहकों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए तेल कंपनियों की प्रशंसा की कि इस तरह की नेक पहल दूर दराज के गांव तक की जाए, जिसके लिए उन्हें उनके पूरे संगठन का पूरा समर्थन प्राप्त होगा और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद दिया। श्री पी कुमार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जलवायु संबंधी नीतिगत प्रतिज्ञाओं को साकार करने में मदद करने के लिए ग्रो पहल के प्रबल समर्थक रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन की भारत की ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन स्पेस में सबसे बड़े वैश्विक खिलाड़ियों में से एक बनने की देश की महत्वाकांक्षा को स्वीकार करते हुए पेसो ने ओएमसी के साथ मिलकर काम किया है ताकि उन्हें निर्माण की अनुमति दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सख्त सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करके इस अत्यंत संवेदनशील ईंधन का भंडारण, परिवहन और वितरण करना है। यह याद रखने योग्य होगा कि श्री पी कुमार ने पहली और दूसरी कोविड लहर के दौरान चिकित्सा ऑक्सीजन सहित महत्वपूर्ण आपूर्ति के उत्पादन के लिए उद्योग को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कोविड के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण के लिए उन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा कोविड योद्धा के सम्मान से सम्मानित किया गया। पेसो एक संगठन के रूप में व्यापार करने में आसानी और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए प्रयासरत है। श्री पी कुमार ने सचिव DPIIT श्री अनुराग जैन और अतिरिक्त सचिव श्री सिंह ठाकुर को उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और अधिक नागरिक और ग्राहक उन्मुख बनाने के लिए अपने विभाग को दिए गए निरंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया, जो न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के सरकार के मिशन के अनुरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC न्यूज़।